मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर आएंगे इस तैयारी के फेज़ में, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं जा रही है प्रिपरेशन, क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इन केस नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे आगे, इतना टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया है। कई बार मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि देखिए, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसे पता होता है कि वो कितना जो पढ़ रहा है और उसका आउटकम जो आ रहा है उसके बीच में वो कितना डिफरेंस है, कैन ही बी एबल टू कवर दैट डिस्टेंस। तो आपका सेल्फ असेसमेंट जानना चाहे एक सवाल कि आपका भी कुछ पर्सनल बिलीफ होता होगा किसी केस को लेकर, जब आपके पास कोई केस आता होगा आपको लगता होगा कि नहीं इस केस में ये सही होना चाहिए, जबकि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी जो होती है उसमें आपको कुछ और करने को कहा जाता है, तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं? आप प्रीलिम्स को मेन से सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, और ओवरऑल आपका जो पर्सपेक्टिव जो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी के थ्रू निकल के आएगा किसी भी सोशल इशू के ऊपर, जो आपके विचार हैं वो रातों रात डेवलप नहीं होंगे, वो एक प्रोसेस में ही डेवलप होंगे, और वो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से। देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन आता कहाँ से है, तो आपकी लाइफ में आपका अपने लिए क्या विजन है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वहाँ से आपका मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आपके अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें हमारे इंटरवेंशन से किसी का कुछ अच्छा हो पाता है, इवन इफ इट इज 1% अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जो हम विजन लेके आते हैं कि हाँ, मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम वो कंट्रीब्यूट करने में थोड़े सक्सेसफुल होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए काफी मोटिवेशनल साथ साथ हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं गरिमा तिवारी मैम, जो कि वर्तमान में दिल्ली के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तैनात हैं, और मैम 2018 बैच की ऑफिसर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मैम के साथ जो मैम की जर्नी रही है यूपीएससी की, साथ ही साथ जो मैम ने यूपीएससी से सीखा है, और मैम कुछ अपने मन से भी बताएंगे हमें यूपीएससी के बारे में, तो हम इन सब चीज़ों को जानने वाले हैं। तो अगर आपको भी इन सब के बारे में जानना है तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम सबके मार्गदर्शन के लिए निकाला। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम मैम के साथ मैम की जर्नी को जानते हैं। तो सबसे पहले मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में संक्षेप में हमें कुछ बता दें। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा तिवारी है, मैं मूलतः खंडवा मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर स्कूल में लेक्चरार हैं, सीनियर लेक्चरार हैं, फादर मेरे इंजीनियर हैं। मेरी बेसिक एजुकेशन खंडवा से ही है, और ग्रेजुएशन मेरी डेंटिस्ट्री में है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं सिविल सर्विसेज दूंगी, एंड देन इवेंचुअली 2017 का CSE एग्जाम है जो फिर क्लियर हुआ है। मैम, यूपीएससी एग्जाम देने से पहले आप एक डॉक्टर थी, उसके बाद आपने यूपीएससी का एग्जाम देने के बारे में सोचा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा चीज था जिसने आपको प्रेरित किया कि आप यूपीएससी एग्जाम दें, और आप इस जर्नी में किस तरीके से जो है मोटिवेटेड रहे। देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन आता कहाँ से है, तो आपकी लाइफ में आपका अपने लिए क्या विजन है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वहां से आपका मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, या फिर आपके सामने अवेलेबल ऑप्शंस में से फिर आप चूज करते हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे बेहतर ऑप्शंस में यूपीएससी एक ऐसा ऑप्शन लगा जिसमें मैं अपने होराइजंस एक्सपैंड करके और बेहतर कुछ अच्छा कर सकती थी। और इस एग्जाम की सबसे खूबसूरती ये है कि आपको आपके सिर्फ मेहनत, अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क पे ही डिपेंडेंट रहना है, एग्जाम क्लियर करना है, और उसके बाद में इवेंचुअली आपकी जो भी रैंक आएगी मेरिट में, उस हिसाब से आपको आपकी सर्विस अलॉट हो जाएगी। जी मैम, जब आप यूपीएससी एग्जाम दे रही थी, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें काफी लंबा समय लग जाता है, आपका भी काफी लंबा समय, इसमें 2-3-4 अटेम्प्ट लगा होगा, तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस जर्नी को मतलब परस्यू कर रही थी, तो उस टाइम आप जब असफल होती थी या जब आपको असफलता हासिल होती थी, तो आप किस तरीके से उस समय अपने आप को ये करती थी कि हाँ, मैं कर लूंगी इस एग्जाम को, मैं आगे एक अटेम्प्ट और दूंगी, मैं इसको कर सकती हूँ। देखिए, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जी मैम, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसे पता होता है कि वो कितना जो पढ़ रहा है और उसका आउटकम जो आ रहा है उसके बीच में वो जितना डिफरेंस है, कैन ही बी एबल टू कवर दैट डिस्टेंस।
तो आपका सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कुछ ही मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया है या कुछ मार्क्स से मेरा मेंस रह गया है, तो डेफिनेटली इतनी लंबी जर्नी होती है कि आप इतनी प्रिपरेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली फिर एक और आप चांस लेने का सोचते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ वन डे एग्जाम जो एक कुछ समय पढ़ा और वन डे एग्जाम हो गया और आपने क्लियर कर लिया। इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स, और सब्जेक्ट की जो वैरायटी है और जो वास्टनेस है वो सारा कवर करके आपको आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा अपना ऑनेस्ट कि आपको इसको परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, अगर आपसे हम एक बात जानना चाहें, क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी एग्जाम जब हम तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप तैयारी करती थी तो उस टाइम आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको, या फिर अगर हम बात करें जो आपका सोशल ग्रुप होता है जिसमें आपके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन सबका कितना सपोर्ट रहा आपको, और इसका कुछ आपको फायदा मिला कि नहीं मिला, आप इसके बारे में बताएं। डेफिनेटली फायदा मिलता है। जी सबसे मैम, पहले मैं पेरेंट्स की बात करूंगी, तो जी मदर फादर तो आपके बैकबोन होते ही हैं, जी मैम, बिकॉज वो आपके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं उस फेज में, जी मैम, और वो आपके साथ में खड़े रहते हैं आपके हर फेलियर में। सक्सेस तो एक ही बार मिलती है जी जब मैम, मिलनी होती है, लेकिन फेलियर जब आपको मिल रहा होता है तो आपके पेरेंट्स ही आपके सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं, जी और वो आपका सबसे बड़ा प्लान भी होता है जहाँ फॉल आउट करते हैं कि कुछ होगा तो योर पेरेंट्स आर देयर टू सी। उसके जी बाद आपके फैमिली के बाकी मेंबर्स जैसे आपके भाई बहन हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप ऑन अ डे टू डे बेसिस आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तैयारी के जी समय, मैम, आप सबसे क्लोज आप अपनी फैमिली के होते हैं जी और फ्रेंड्स के होते हैं, और फ्रेंड्स वो जो आपके कॉलेज के टाइम के हैं या स्कूल के हैं, जी मैम, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता है एग्जाम में आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप जी फेल हो रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि दे सी यू एज अ ह्यूमन जी मैम, ह्यूमन बींग जो उनसे कनेक्टेड है, दे सी यू एज अ फ्रेंड, दे सी यू एज अ सिस्टर, दे सी यू एज समबडी जो उनसे रिलेटेड है, ठीक है, इन डार्क इन लाइट डजेंट मैटर। जी और मैम, ये हर बच्चे के साथ में उनका बैकबोन सपोर्ट होता है। आई गेस आप किसी से भी पूछेंगे तो जी उनका मैम, बैकबोन सपोर्ट उनकी सबसे पहले उनकी फैमिली होती है, फिर जी फ्रेंड्स जी होते हैं, और इनको अपने साथ रखना चाहिए मैम, बिकॉज वो आपको नॉर्मल रखते हैं, वो आपको ऑन इन ऑन ग्राउंडेड रखते हैं, वो आपको जी मैम, मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर आएंगे इस तैयारी के फेज में, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं जा रही है प्रिपरेशन, क्या जी पता मैम, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जी इन केस नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे आगे, इतना टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया है। जी मैम, कई बार मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि मतलब आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेट मी स्लीप, मार्क्स कम आए हैं आज टेस्ट सीरीज में, या मुझसे तो ये हो ही नहीं पा रहा है, या फिर सम हाउ समबडी एल्स इज डूइंग ग्रेट इन द टेस्ट सीरीज एंड यू विल फील कि मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। उन सारे मोमेंट्स में आपको ग्राउंडेड रखने के लिए, आपको सेन रखने के लिए आपके जी फैमिली मेंबर्स ही हैं जो वो बेस सपोर्ट क्लियर करते हैं। मैम। दोस्तों, क्या आप भी सर्च कर रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू के लिए कोई बेस्ट बुक? तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल बुक की तरफ से आने वाली प्रीवियस 30 ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर की ये बुक। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस 30 ईयर तक के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी इसी बुक के अंदर दे दिए गए हैं। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं फेमस टीचर अवध ओझा सर, जिनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसी बुक के अंदर आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी सीसेट दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो बुक है ये मेनली 2025 एग्जाम के लिए होने वाली है, तो जो लोग भी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो बुक है ये टॉपिक वाइज रहने वाली है, यानी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और किस ईयर में पूछे गए हैं ये भी आपको इसी बुक के अंदर दे दिया जाता है। तो अब देर किस बात की है, आप भी एक ऐसी बुक बाई कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। जैसा मैम, अभी जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम है वो लगभग खत्म होने वाला है, और जो एस्पिरेंट हैं वो इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू में क्या अनुभव रहा, साथ साथ अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें उन एस्पिरेंट को जो कि यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू राउंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैम प्लीज। जो पर्सनालिटी राउंड होता है हमारा, इंटरव्यू राउंड होता है, दे चेक योर, दे डू नॉट ओनली चेक योर नॉलेज, जी दे आल्सो चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है ओवर डिफरेंट टॉपिक्स।
वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, आप वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने खुद कितना बैठ के एनालाइज किया है, खुद कितना आपने सोचा है किसी टॉपिक को, आपने जो हॉट बर्निंग सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में आपकी खुद की राय क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि दे अप्रिशिएट अ रॉ एंड ऑनेस्ट आंसर। मैम। अच्छा मैम, एक सवाल हमारा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब आप मैम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस समय आपका यूपीएससी एग्जाम को लेकर काफी अपेक्षा रहा होगा कि हम सर्विस में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और मैम अब जब आप एक जो है ऑफिसर बन चुके हैं, तो मैम वो जो आपकी अपेक्षाएं थी वो आपको जो रियल है, मतलब अभी इस वक्त है, इससे किस तरीके से मेल खा रहे हैं? बिल्कुल खाते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑन अ डे टू डे बेसिस मिलती है जिसमें आप कुछ अच्छा कर सके। अच्छा करने का मतलब सिर्फ कुछ रिवॉल्यूशनरी नहीं होता है, अच्छा करने का मतलब होता है कि हमारी डे टू डे बेसिस पे जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, हमें वो उत्तरदायित्व अपना पूरा अच्छे से निभाना है। जो काम मुझे सौंपा गया है मेरे सीनियर्स के द्वारा उसे करना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारे सब डिविजन की है या जिस एरिया में हम पोस्टेड हैं वहाँ के लिए हमें हमेशा ईमानदारी से खड़े रहना है, उसको सही रिपोर्टिंग करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें हमारे इंटरवेंशन से किसी का कुछ अच्छा हो पाता है, इवन इफ इट इज 1% अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ मतलब जो हम विजन लेके आते हैं कि हाँ मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम वो कंट्रीब्यूट करने में थोड़े सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा मैम, अगर हम आपसे जानना चाहें एक सवाल कि आपका भी कुछ पर्सनल बिलीफ होता होगा किसी केस को लेकर, जब आपके पास कोई केस आता होगा आपको लगता होगा कि नहीं इस केस में ये सही होना चाहिए, जबकि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी जो होती है उसमें आपको कुछ और करने को कहा जाता है, तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं? जब आपको लगता है जो आपका व्यक्तिगत विचार है उसमें आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए यहाँ पे, बट आप ऑफिशियल ड्यूटी जो उससे क्लैश हो जाता है, उस टाइम आप लोग उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं? ऐसे डिलेमास बहुत कम आते हैं जी मैम क्योंकि जस्टिस ओरिएंटेड रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जी तो वो मैम एक पर्टिकुलर सेट एथिकल नॉर्म्स पे चलती है। जी मैम और आप सिर्फ अकेले डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, आप यू आर जस्ट वन वन पर्सन इन दैट एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जी और जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसमें यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को और जो लॉज हैं और जो हमें सिखाया गया है हम उससे अधेयर करते हैं अपने आप को। इवन इफ अगर ऐसा लगे कि हम वैसे तो इमोशनली अटैच ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी केस से, लेकिन अगर हम जी किसी केस से अगर फील भी करते हैं इमोशनली अटैच तो देर आर ऑलवेज चेक्स एंड बैलेंसेस। और जी ऐसे डिलेमा यूजली तो बहुत कम आते हैं। और जस्टिस ओरिएंटेड हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम है, वी ऑल अधेयर टू अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सिमिलर जी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसलिए आउटकम सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैम। अच्छा मैम, एक सवाल हमारे मन में है जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आता है, तो चूंकि इसमें 3 फेज हैं, पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो कई बार जो एस्पिरेंट शुरू शुरू में आते हैं वो सबका साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले प्रीलिम्स भी कर रहे हैं साथ में मेंस भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो साथ में इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये सही है कि तीनों राउंड की तैयारी साथ साथ करनी है, या फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है, या फिर किसी एक चीज की तैयारी पहले हमें करनी है? आप प्रीलिम्स को मेन से सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो जी मैम और ओवरऑल आपका जो पर्सपेक्टिव जो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी के थ्रू निकल के आएगा किसी भी सोशल इशू के ऊपर जो आपके विचार हैं वो रातों रात डेवलप नहीं होंगे, जी वो एक प्रोसेस में ही डेवलप होंगे। और वो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से। मैम आप जो आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या जो आज आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं या जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं वही नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज अगर आप प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं तो वही चीज आपको एज डेटाबेस टू एनालाइज इन मेंस वो यूज हो जाएगा। वही पूरा प्रोसेस आपको एक पर्सपेक्टिव देगा उस पर्टिकुलर इशू के बारे में जो फिर आप फाइनली अपने इंटरव्यू में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जी आप सेग्रीगेट चैम्बर्स में सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि ये प्रीलिम्स की तैयारी है, ये मेंस की तैयारी है। हाँ ये जरूर है कि जब प्रीलिम्स आने वाला होता है तो हम फोकस्ड हो जाते हैं थोड़ा एमसीक्यूज की तरफ, जब मैम मेंस आने वाला होता है तो हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं अपने रिटन आंसर्स के लिए, जी हम उसको बहुत ज्यादा ठीक करते हैं अपने आंसर जी को कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए। बट नॉलेज बेस तो सेम रहता है एंड इट इज अ जी कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस। मैम आप डिमार्केट नहीं कर सकते हो कि बस इतना प्रीलिम्स का है, इतना मेंस का है और इतना इंटरव्यू का है। मैम लास्ट में अगर आप एस्पिरेंट को कुछ बताना चाहें जो लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी आई कर रहे हैं। थिंक हार्डवर्क एंड पेशेंस जी मैम इज द की, परसिवरेंस इज द की।
और उसके बाद भी देर इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल फैक्टर विथ एवरी कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं, और नॉलेज कभी वेस्ट तो नहीं जाता है. इसलिए वेन एवर यू आर अप्रोचिंग एन एग्जाम, यू हैव टू अप्रोच इट विथ योर फुल कॉन्फिडेंस, और बी इट व्हाट सो एवर, नॉट एवरी डे इज अ ब्राइट डे, नॉट एवरी डे इज अ डार्क डे, तो यू हैव टू वेट फॉर योर डे, बट टिल देन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ तो एज अ होल. मैम, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने आपको सुना होगा उन लोगों के लिए भी काफी हेल्प हुआ होगा, उन लोगों को भी यूपीएससी एग्जाम को समझने में काफी मदद मिली होगी। तो मैम, हम आपको लास्ट में फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे थैंक कि यू आपने सो अपना मच. बहुमूल्य समय दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।